नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूँ अरविंदर सिंह। रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत बधाणी में दशकों से सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने पर आज दिन तक कार्रवाई न होने से लोगों में भारी रोष। मामला जिला प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ध्यान में भी रहा, लेकिन आज तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। देश की आन बान शान तिरंगा हमीरपुर में बदहाल हालत में, एक साल में चौथी बार तिरंगे के फटने से देशभक्तों में पनप रहा रोष। प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की आवश्यकता, क्योंकि रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं के उपयोग के कारण खाद्यान्न जहरीले होते जा रहे हैं। इससे लोगों में अनेक लाइलाज बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, कहा विधायक नरेंद्र ठाकुर ने। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए विशाल नेहरिया अपने समर्थकों के साथ आज भर रहे हैं अपना नामांकन।